आदि शर्मा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। आदि शर्मा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंपाउंड एंगल्स, ठीक है, ये कर रहे हैं। yes, sir. Question one, prove that sine B minus C upon cos B cos C plus sine C minus A upon cos C cos A प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू जीरो प्रूव करना है, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो प्रूव करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी लगाना है, वन बाय वन लगा लें क्या? वही बेटर रहेगा, फिर एलसीएम देख लेंगे। yes, तो साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी, ये हो जाएगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी। तो ये क्या बन गया बेटे, ये अलग अलग कर लो, साइन बी कॉस सी कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी, कैंसिल, टेन बी माइनस टेन सी हो गया, सो इट बिकम्स टेन बी माइनस टेन सी, राइट? यस, टेन बी माइनस टेन सी। सो ये पहला हो गया, दूसरा क्या होगा, साइन सी माइनस ए ऑन कॉस सी कॉस ए, तो इसको क्या लिखेंगे, टेन सी माइनस टेन ए, ये दूसरा हो गया आपका, ठीक है। और फिर आपका साइन यस सर ए माइनस बी ऑन कॉस ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा आपका टेन ए माइनस टेन बी, ये तीसरा हो गया। इन तीनों को अगर ऐड कर दें, वन प्लस टू प्लस थ्री, टेन बी माइनस टेन सी प्लस टेन सी माइनस टेन ए प्लस टेन ए माइनस टेन बी, तो सब कट रहे हैं जीरो, ठीक है, ये हो गया आपका। यस सर, एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, ठीक है? यस सर, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन टू, क्वेश्चन है इफ कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा कॉस गामा माइनस अल्फा
equals to minus 3 by 2. Then prove that cos alpha plus cos beta plus cos gamma equals to sine alpha plus sine beta plus sine gamma. Okay, equals to zero. So giving 3 minutes to you. Try मारिए, try करिए. नहीं होगा तो बताऊंगा. मैं बताऊं, है ना? Solution. देखिए पहले तो इसको ओपन कर दो. cos अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. ठीक है, ये हो गया आपका cos अल्फा. सर हो जाता है. करो, 2 मिनट और टाइम दिया आपको. तो देखो अब आगे देखो इसका मीनिंग मत. cos अल्फा माइनस बीटा को लिख लिया आपने, उसी तरीके से cos बीटा माइनस गामा लिख लिया आपने. ठीक है, क्या होगा? cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा एंड cos गामा माइनस अल्फा को लिखोगे आप, क्या लिखोगे? cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा. ठीक है, यस सर. अभी तीनों को ऐड कर दो तो ये क्या बनेगा? एडिंग क्या बनेगा? 2 cos alpha cos beta, 2 cos beta cos gamma, 2 cos gamma cos alpha. ठीक है, और प्लस ये एक साथ रख लो, प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा. यस साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा. ठीक है, ये हो गया आपका. तो अब क्या करना है? तो इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था? माइनस 3/2 ना, ये दिया हुआ है. यस सर, ये आपका दिया हुआ है ना, ये माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3/2 इक्वल्स टू माइनस 3/2 है ना भाई? यस सर. तो माइनस 3/2 था आपका. एक काम करो, तो ये तो 2 तो मैंने भेज ही दिया था ना. हाँ यार, 2 तो ऑलरेडी भेज दिया ना, अलग करके. ये बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी दिक्कत हो रहा है. इक्वल टू बचा क्या? इक्वल टू माइनस 3 बचा. इधर ना 2 तो भेज दिया ना बेटा, 2 तो सब में भेज दिया ना, कमल लेकर के. समझ आ रहा है ना? यस सर, यस सर. नहीं आया, ये फिर से लिख देता हूँ मैं. तो माइनस 3/2 था ना, तो माइनस 3 रह गया. 2 को तो भेज दिया ना, फॉर्मूला में 2 cos अल्फा cos बीटा नहीं होता ना, तो भेज दिया मैंने पहले. तो इसको लिख लिया 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा प्लस 2 sin अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा प्लस 3 था ना उस तरफ, माइनस 3 था ना. यस सर.
नहीं आ रहा आपको समझ में, माइनस थ्री बाय टू था ना, टू को भेज दिया सबके साथ, टू का इधर टू को भेज दिया और कमन था। यस सर, वो समझ सर समझ आ रहे, लेकिन सर धीरे धीरे मैं वो अंडरस्टैंड करूं के। ठीक है, अब क्या करना है, थ्री जो है ना, ये थ्री को हमने, ये थ्री को लिख लिया वन प्लस वन प्लस वन, ये इक्वेशन वन रख लो। यस सर। ठीक है, और इसको लिख लिया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ये थ्री की जगह रख करके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूटिंग वन एंड रीअरेंजिंग। क्या कर रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर अल्फा ले लिया प्लस स्क्वायर बीटा ले लिया, ठीक है, प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा ये ले लिया, ठीक है बीटा। फिर ये दोनों तो खप गया है ना भाई। यस सर। अब क्या बचा, प्लस दूसरी तरफ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस टू कॉस बीटा कॉस गामा, इसको एक साथ ले लिया, प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू कॉस गामा कॉस अल्फा। अब साइन वाले को भी ऐसे ही रीअरेंज कर लिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। देखो इधर देखो, कॉस कॉस में अल्फा बीटा गामा तीनों है, साइन में भी अल्फा बीटा गामा तीनों की स्क्वायर है ना, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस टू साइन बीटा साइन गामा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर गामा, यस सर, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन गामा साइन अल्फा, यस सर, ठीक है, ये इक्वल्स टू कितना, यस सर, ठीक है, कॉस बीटा प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर, यस सर, तो एक काम और करो बेटे, ये तीनों को एक साथ ले लो ना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ ना, दैट वुड बी बेटर, यस सर, है ना, ये तीनों एक साथ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस ये टू कॉस अल्फा कॉस बीटा टू कॉस बीटा कॉस गामा टू कॉस गामा कॉस अल्फा, ऐसा लगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो कब होगा, जब अलग अलग जीरो होगा ब्रैकेट, क्योंकि स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस अल्फा, अच्छा क्वेश्चन बताया ये आपको, ये बहुत पुराने आईआईटी में पूछा हुआ है 1989 में सर, इतने टफ क्वेश्चन आया है, बहुत पुराने, उस टाइम तो इतने सस्ते क्वेश्चन आते थे, आजकल तो बहुत महंगे आते हैं क्वेश्चन, मतलब बहुत डिफिकल्ट आते हैं।
अच्छा सर, अब सर ये बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया। नहीं नहीं टफ नहीं था ऐसे सर, इसके सर में तीसरी एक्सरसाइज। चलो एक आसान वाला कर लेते हैं, तो टेंशन क्यों लेते हो, आसान वाला कर लेते हैं। अभी एक आसान वाले क्वेश्चन करते हैं। इधर देखो, प्रूव दैट सर सर होमवर्क दे, सर मुझे होमवर्क दे दो सर, तीसरी होमवर्क दे। चलो होमवर्क दे देता हूँ फिर, ये एक्सरसाइज 7.1। यस सर, मैं तीसरी मैथ क्या कह रहे हो, मैथ आइडेंटिटी भी लर्न करनी है आपको। एक्सरसाइज 7.1 आइडेंटिटी भी तो लर्न करनी है आपको, ठीक है। यहाँ तक का सेव कर दिया आपको, ठीक है ना। हाँ सर, अगली क्लास में सुना दूंगा। तो 7.1 जो है ना, उसमें करना क्वेश्चन सारे नहीं, 33 क्वेश्चन है, सारे नहीं भी कर पाओगे तो जो कर पाओगे करना, जो नहीं आएगा डिस्कस करना। इसमें से बहुत बताए हुए जो अभी बताया है ना, वो उस टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने, ठीक है। ओके सर, चलो ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। घर पर सब ठीक है, घर पर ठीक है भाई।